दुकानदारी बजेगी, मजदूर भी बजेगा कुछ। आओ इन्हों सारे किसान जथेबंदियों वालों पूरे पंजाब ट्रैक्टर मार्च किए जा रहे हैं और केंद्र सरकार के बीजेपी के और अकालियों के मौजूदा और सबका MLA या मंत्री संसद मैंबर या प्रधान उन्होंने घर वालों जरा ट्रैक्टर मार्च कर रहे हैं। वो वजह यह है कि केंद्र सरकार ने लॉकडाउन के बहाने थले पिछले दिनों तीन खेती विरोधी जोड़े कानून पास किए हैं, सारी खरीद बंद कर लगी है, जिनसा के भाव बनने तो पहले ही मुकर चुकी है, कर्जा माफ कर तो पहला मुकर चुकी है, हूँ जरा सू कंपनियों के हवाले करके आते उन्होंने गल करो, उन्होंने बेचो तो उन्होंने मुताबिक फसलों बीजो। ये कानून असं चाहते भी केंद्र सरकार रद्द करे, सेंटर सरकार जी है तीन आर्डिनेंस लैके आई है, वो संबंध के सारे किसान इतने इकट्ठे हुए हैं, जिहड़ा इन्होंने इतों रोस मार्च चालू करके दीनानगर जाना वो इस करके कर रहे हैं कि किसान मारू जिहड़ा आ आर्डिनेंस लैके आए उन्होंने वापस लवे, ये जे इन्होंने इहोजा काम करता तो जिहड़ी किसानी है वह तबाह हो जाएगी, साडे किसानां दे कोल ना तां जमीनां रहणगियां ना कुछ। ये साडे कुछ लोग जिहड़े ने ये सोच रहे हैं कि कल्ला किसानी नाल ही हो रहा, जिहड़े साडे मजदूर भरा ने उन्हां नाल भी धक्का होगा, जिहड़े दुकानदार ने जदों किसानी मर गई तो दुकानदार भी मरे जाणगे। इस करके अज सारे किसानों ने तहैया कर लिया कि जेकर मोदी सरकार ने अपने किते तैयार आर्डिनेंस किसान विरोधी जिहड़े वापस ना लए तो सरकार का जिहड़ा जीना हराम कर देंगे, नक च दम कर देंगे उन्होंने। एक सरकार ने होर कानून पास किया जिहड़े किसान हुण घाटे बंदा करके सरकार ने बिजली की खेती मोटरों की मुफ्त सहूलत दिती है, गरीब लोगों को 200 यूनिट दी दिती है, वो सरकार ने बिजली सोध बिल पास करके और जरा खोन का जरा मनसूबा बनाया, साड़ी मांग वा कि जोड़ा बिजली बिल सोध है जरा 200 रद्द किया जाए, डीजल तो पेट्रोल दीमत जड़िया 7 जून तो लैके लगातार अज तक बढ़ रही ने, असं कहना इन्होंने वापस लिया जाए।